तेजा जी को इंसान से भगवान बनाने वाली ही को माता है। तो गौ माता क्या नहीं कर सकती, कितने अवतारों को वो धरती पर लेके आती है। तेजा जी महाराज, गुरु गोरखनाथ जी का नाम सुना है? सुना है गोरखनाथ जी का? गोरखनाथ जी का प्रकटीकरण कैसे हुआ? एक बार गुरु मच्छिंद्रनाथ भिक्षाटन के लिए निकले थे, देशांतन के लिए निकले थे, जगह 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 जाकर के अपने भिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक बार एक गांव में गए, गांव बड़ा रूपाड़ा था, बहुत अच्छा था, मकान भी बहुत अच्छे अच्छे बने हुए थे। गुरु मच्छिंद्रनाथ उस गांव में गए, एक घर के बाहर द्वार पर रुक करके आवाज लगाई, आदेश आदेश आदेश। नाथ संप्रदाय में भिक्षावृत्ति आदेश शब्द से ही की जाती। एक माई बाहर आई, उसने भिक्षा दी, चेहरा उदास मलिन लटका हुआ पड़ा हुआ, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय नवनीत के समान होता है, मक्खन के समान। मेरे भाई बहनों, मक्खन को भी पिघलने के लिए गर्मी चाहिए होती, लेकिन संतों का हृदय ऐसा होता है, दूसरों का दुख देख करके वो बिना गर्मी के ही पिघल जाता है। गुरु मच्छिंद्रनाथ ने कहा, मैं क्या बात, आप इतने दुखी क्यों? थके दुख को कारण कहिए, भिक्षा दे इसलिए दुखी हो? कहा, नहीं बाबा, भिक्षा से दुखी नहीं। कहा, क्या बात है माई, मुझे दुख बताओ। कहा, बाबा दुख तो घणो ही है। कहा, क्या बात है? कहा, बाबा मेरे संतान नहीं, मेरा बाल बच्चा को। बाबा जी ने कहा, अच्छा ये बात है, चिंता मत करिए, भभूत ले ले, भस्मी ले ले, खा लेना, तेरे बच्चा हो जाए। बाबा जी वहां से आदेश 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 करके प्रस्थान कर गए। मेरे भाई बहनों, बाबा जी अपनी दिशा में चले गए, माई घर में चली गई। समय गुजरा, काल गुजरा, 13 साल बाद बाबा जी वापस भ्रमण करते 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 उसी गांव में आए, उसी द्वार पर आए, उसी घर के बाहर जाकर के खड़े हो गए, आवाज लगाई, आदेश आदेश आदेश। वो माई बाहर आई, उसने भिक्षा दी, बाबा जी को भूल चुकी थी, बाबा जी को भूल चुकी थी, लेकिन बाबा जी ने याद दिलाया। कहा, मैं क्या बात है, 13 साल पहले आया था तब भी चेहरा ऐसा ही था, अब तो थोड़ा टाबर हो गया, अब तो इतने दुखी क्यों है, थोड़े कई टेंशन। कहा, बाबा मारे टाबर तो है ही कोई, कैसा हो नहीं सकता, भस्मी दी थी आपने, अगर उसका सेवन किया होगा तो निश्चित रूप से आपको संतान हुई होगी। कहा, बाबा मेरे संतान ही नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है बाबा, कैसा हो नहीं सकता, भस्मी कहा गई, आपने भस्मी फेंक दी। कहा, बाबा नहीं नहीं नहीं, मैं इस प्रकार संतों के प्रसाद का अपमान नहीं कर सकती बाबा, लेकिन ये बात भी सत्य है कि मैंने भस्मी नहीं खाई। कहा, क्यों, जब मैं आपको भस्मी देकर के गया तो आपने भस्मी का प्रसाद क्यों नहीं? कहा, बाबा मैं आपके चरणों में निवेदन करती हूं कि मैं एक विधवा नारी हूं और जब आप पधारे थे उसके पूर्व में ही मेरे पति स्वर्ग पधार गए, और अगर मैं वो भस्मी खा लेती, मुझे संतों की वाणी पर पूर्ण विश्वास है, तो मेरे संतान हो जाती और विधवा नारी के संतान हो जाए तो समाज में ये बात थोड़ी कलंकित हो जाती है, और इसलिए मैंने भस्मी नहीं खाई। कहा, भाई वो भस्मी आपने कहां रखी? कहा, बाबा एक दिन में कोई सत्संग में गई थी, बाबा जी ने बताया कि संसार में सबसे श्रेष्ठ सबसे पवित्र
अगर कोई चीज है तो वो गाय माता जी का गोबर है, तो मैंने गोबर पर वो भस्मी डाल दी, कमाई वो गोबर संभाल के रखा है। कहा बाबा संभाल के तो रखा है, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत अंश बचा है। कहा ले क्या? मैंने वो गोबर लाया, थोड़ा सा अंश था मात्र, उसको बाबा जी ने हाथ पे रखा, देख करके अपने नेत्रों से उसमें चेतनाएं डाली और आवाज लगाई, बेटा गोरक्ष उठो, बेटा गोरक्ष उठो, बेटा गोरक्ष उठो। और उस गोबर में से मेरे बाबा ने 12 साल के गुरु गोरखनाथ जी प्रकट हुए। 12 साल तक गाय माता के गोबर ने गुरु गोरखनाथ जी की चेतनाओं को संभाल करके रखा, इसलिए नाम गोरखनाथ। बोली गोरखनाथ।